प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं पदार्थ धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे और धातु और अधातु के भौतिक गुण के विषय में पढ़ेंगे। भौतिक गुणों के आधार पर धातुएं और अधातुओं में क्या अंतर होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है या इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उनके विषय में आज हम इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। धातुएं, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उनको धातु कहते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उनको अधातु कहते हैं। तो पहला, धातुएं कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर धातुएं सामान्यतः लगभग सभी धातुएं कठोर होती है। केवल अपवाद के रूप में सोडियम और पोटाशियम धातु नरम होती है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं हम, बाकी सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं कठोर नहीं होती, केवल हीरा अधातुओं में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, बाकी लगभग अधातुएं कठोर नहीं होती। धातु कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती, हीरा को छोड़ करके। धातुओं में कठोर सोडियम और पोटेशियम नरम होती है, कठोर नहीं होती। अधातुएं, हीरा जो है वो कठोर होता है, बाकी अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी और तरल अवस्था में भी। आयोडीन है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि जो गैसें हैं वो गैस अवस्था में पाई जाती है, और हीरा है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस तरह अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा, कठोरता के अलावा धातुओं में और भौतिक गुण क्या होते हैं? तन्यता, धातुएं तन्यशील होती हैं, अधातुओं में तन्यता वाला गुण नहीं होता। तन्यता किसे कहते हैं? जिनकी तारें बना सके, जिनकी तारें खींच सके, धातुओं में ये गुण जिसके कारण उसकी हम तार बना सकते हैं, उनकी तार खींच सकते हैं, ये देखिए तार बना सकते हैं, तो इस गुण के कारण धातुओं को तन्यशील पदार्थ भी कहते हैं। तन्यता वाला गुण पाया जाता है क्योंकि इनको खींच करके हम तार बना सकते हैं। इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है, धातुओं में ये गुण नहीं होता, तन्यशील वाला गुण नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आधातु वर्ध्यता, धातुओं को पीट पीट करके चदरे बना सकते हैं, जैसे ये धातु है और इसको पीट करके चद्दर के रूप में बनाया हुआ है, तो धातुओं को पीट करके चद्दर बना सकते हैं, और इसी गुण के कारण इनको अधातुवर्ध्यता पदार्थ कहते हैं। अधातुवर्ध्यता गुण कहलाता है ये। अधातुवर्ध्यता का मतलब होता है जिन पदार्थों की पीट करके चद्दरे बना सकते हैं, तो धातुओं की पीट करके हम चद्दर बना सकते हैं, इसलिए ये अधातुवर्ध्यता वाला गुण रखती है। चौथा, अधातुओं में ऐसा गुण नहीं होता। धात्विक चमक, अधिकांश धातुएं चमकदार होती है, उनमें चमक होती है अधातुओं में। केवल आयोडीन एक तत्व है जिसमें चमक पाई जाती है, बाकी में चमक नहीं होती। तो अधिकांश धातु चमकदार होती है, चमकीली होती है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारी चमकदार धातुएं हैं। इसमें केवल आयोडीन होता है जिसके अंदर आयोडीन तत्व है अधातुओं में जो चमकदार होता है, बाकी ये चमकदार नहीं होती। इसके अलावा चालकता का गुण, चालकता, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं धातुएं। अधातुओं में केवल ग्रेफाइट ही विद्युत धारा का अपने अंदर प्रवाह होने देता है, अर्थात ग्रेफाइट ही एक ऐसी धातु है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजार लेती है, बाकी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। चालकता के बाद में गलनांक, धातुओं का
गलनांक उच्च होता है। धातुओं को अगर पिघलाया जाता है तो उसे बहुत ज्यादा तापमान देने की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा तापमान के ऊपर वो पिघलती है तो उनका गलनांक उच्च होता है। ऐ धातुओं का हीरा हीरा को छोड़ हीरा जो तत्व है उसको छोड़ करके ऐ धातुओं का जो गलनांक है वो निम्न होता है, कम होता है सामान्यतः। इसके अलावा ध्वनिक धातुओं में ध्वनि वाला ध्वनि उत्पन्न करने वाला जैसे ये धातु है ये ध्वनिक गुण पाया जाता है, धातु में ध्वनि उत्पन्न करती है, ऐ धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम धातु और ऐ धातु का ये भौतिक आधार के ऊपर भौतिक गुणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं।